मदर ट्रेसा कॉन्वेंट स्कूल भट्टू मंडी की छात्रा सौम्या सिंगला मेडिकल में 12वीं के परीक्षा परिणाम में जिले में रही प्रथम लहराया परचम। सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें मदर ट्रेसा कॉन्वेंट स्कूल भट्टू मंडी की छात्रा सौम्या सिंगला मेडिकल में 12वीं के परीक्षा परिणाम में जिले में प्रथम रही है। विद्यार्थियों का परिणाम 100% रहा, यह जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य सविता गोयल ने कहा कि विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने शानदार परिणाम देकर विद्यालय व भट्टू शहर का नाम रोशन किया है। मेडिकल की छात्रा सौम्या सिंगला पुत्री सुनील सिंगला निवासी भट्टू मंडी ने 97.4% अंक लेकर फतेहाबाद जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है। इंग्लिश में 94, फिजिक्स में 95, केमिस्ट्री में 99, बायो में 99 और म्यूजिक में 100% अंक यानी 487 में 500 अंक लेकर स्कूलों का नाम रोशन किया। इसके साथ साथ पल्लवी बंसल पुत्री अजय बंसल निवासी भट्टू मंडी ने कॉमर्स में 96.6% यानी 483,500 में से अंक लेकर ब्लॉक लेवल पर प्रथम स्थान हासिल किया। कुल 58 विद्यार्थियों में 12 विद्यार्थी 90% से अधिक, 11 विद्यार्थी 80 से 90% के व अन्य सभी प्रथम श्रेणी के से पास हुए हैं। इसी के साथ कक्षा 10वीं का परिणाम भी बहुत ही शानदार रहा है। कुल 54 विद्यार्थियों में 39 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनमें से 8 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक व 11 विद्यार्थियों ने 80 से 90% के बीच अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य सविता गोयल ने सभी विद्यार्थियों व अध्यापकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय पिछले 15 वर्षों से लगातार उत्कृष्ट परिणाम देता रहा है। यह विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद व सांस्कृतिक गतिविधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी। भट्टू मंडी के बाजार में भारी जल भराव से परेशान दुकानदारों ने जताया रोष, किया प्रदर्शन। भट्टू मंडी के बाजार में भारी जल भराव से परेशान यहां शुक्रवार को इंसार रोड पर प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। बरसाती पानी के ठहराव से भट्टू मंडी के बाजार तालाब का रूप ले गए हैं। दुकानदारों ने बरसाती पानी घुसने से दुकानदार काफ़ी परेशान हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता लक्ष्य गर्ग की अगुवाई में दुकानदारों ने शुक्रवार को रोष प्रदर्शन करते हुए सरकार से जल्द बाजार में खड़े बरसाती पानी की निकासी करवाने की मांग की है। लक्ष्य गर्ग, पंकज कटारिया, सुधीर जिंदल, सुरेश जिंदल, चिराग ढाका, मनीष कुमार जोनी, विजेंद्र सुथार, कृष्ण कुमार, सतीश कुमार व अन्य दुकानदारों ने कहा कि वीरवार को छत्तर में हुई बरसात के बाद मुख्य इंसार रोड पर भारी जलभराव हो गया है। इस रोड पर भट्टू का मुख्य बाजार, सरकारी अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व सब्जी मंडी भी है। रोजाना काफ़ी संख्या में वाहन इस रास्ते का प्रयोग करते हैं। सड़कों पर भारी जलभराव से आम जनजीवन ठहर सा गया है। वाहनों व पैदल जाने वाले लोगों को यहाँ से गुजरना तक मुश्किल हो गया है। जल भराव के कारण लोग बाजार नहीं आ पा रहे हैं और दुकानदारों का कामकाज ठप होकर रह गया है। इन लोगों ने बताया कि पिछले 20 सालों से क्षेत्र में पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले प्रशासन द्वारा स्थायी समाधान करने की बजाय वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए यहाँ बोरवेल, जो कि जमीन के अंदर पानी उतारने के लिए बनाया गया था, वह खराब पड़ा है। इस कारण बाजार में कई फुट तक पानी जमा हो गया है। इस पानी पर मच्छरों की भरमार के कारण क्षेत्र में बीमारी फैलने का भी डर बना हुआ है। दुकानदारों ने कहा कि पहले ही बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में अब अगर ग्राहक ही दुकान पर नहीं पहुंचे तो उनकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। दुकानदारों ने जिला प्रशासन व विधायक से यहाँ लोगों की समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए तुरंत बाजार से इस बरसाती पानी की निकासी करवाने की मांग की है। इस बारे क्या कहा लक्ष्य गर्ग ने, सुने उन्हीं की। सभी दुकानदार भाई इकट्ठे हुए, इस पानी के अंदर लगातार बारिश हो रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि दुकानों के आगे पानी भर चुका है और जो यहाँ सीवर लाइन तो पहले से ही खराब है, कभी पानी यहाँ निकलता नहीं है। सड़कों का पुरानी समस्या, 20 साल पुरानी समस्या है, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हुआ। पिछले साल सबमर्सिबल लगा के पानी निकालने की व्यवस्था की गई थी, वो भी अब बंद पड़ी है, वो भी खराब हो चुकी है। और दुकानदार भाई अब यहाँ किस्तियाँ चलाने तो भी रह गए, क्योंकि दुकानों में ग्राहक आ नहीं पा रहे हैं।
बीमारी का घर है, यहाँ भी ये पानी सड़ने लग जाएगा, दो दिन के अंदर बदबू मारेगा, मच्छर पैदा हो जाएंगे, और ऊपर से जब गाड़ियाँ निकलती है यहाँ से तो ये पानी झाले मार के दुकानों के अंदर घुसता है। इतने ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनाने के बावजूद भी ये जो पानी है दुकानों के अंदर घुसता है, जान माल का नुकसान होता है, सामान का नुकसान होता है। सरकार से निवेदन है, विधायक जी से निवेदन है, और सभी जिम्मेवार लोगों से निवेदन है जो सरकार में बैठे हैं कि इस समस्या का समाधान करें, ताकि आम जन की जिंदगी है वो आसान और मुश्किल ना हो। इस महंगाई के दौर में अगर दुकानों पे ग्राहक नहीं पहुंचे तो जीना और मुश्किल हो जाएगा मिडिल क्लास व्यापारियों का। तो सरकार से निवेदन है जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करें। जय हिंद। गांव मानावाली के खेत से पाइप चुराने के आरोप में दो गिरफ्तार। गांव मानावाली के खेत से पाइप चुराने के आरोप में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार मानावाली निवासी सुमेर ने बताया कि उसके खेत से दो पाइप चुराते हुए दो लोगों को उन्होंने मौके पर पकड़ लिया, जिस पर इसकी सूचना डायल 112 पर पुलिस को दी गई। पुलिस ने आरोपियों को काबू कर उसकी पहचान रामू उर्फ काले व देवराज उर्फ कालू निवासी हंस कॉलोनी फतेहाबाद के रूप में कर उनके खिलाफ चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया है।